आप सभी दोस्तों को नमस्कार। साथियों, स्वागत है आपका हरियाणा ड्राइविंग स्कूल रेवाड़ी में। आज आपको वो जानकारी देना चाहेंगे जिससे कि ड्राइविंग सीखते समय एक तो आपको डर ना लगे, और डर क्यों लगता है, दूसरे में ये जानकारी आज देना चाह रहा हूं कि आप लोग स्टीयरिंग को टाइट पकड़ लेते हैं, वो डर के मारे पकड़ते हैं ना। चलिए आज आपसे दो बात करेंगे जिससे आप जो है ड्राइविंग सीखते समय गाड़ी के स्टीयरिंग को टाइट ना पकड़ें। ठीक है, मैं शुरू करता हूं कि गाड़ी का स्टीयरिंग कैसे पकड़ें, और बिल्कुल आसान तरीके से यदि आपने पकड़ लिया तो दोस्तों बिल्कुल भी आपका जो है स्टीयरिंग टाइट पकड़ने का जो तरीका है वो ठीक हो जाएगा। देखिए, मैंने सीट बेल्ट लगाई, क्लच और ब्रेक मैंने दबा रखे हैं क्योंकि ढलान पे खड़े हैं हम, गाड़ी आगे पीछे ना लुट गएगी। अब देखिए, एक बार इधर आई, पहली बात स्टीयरिंग को बिल्कुल लूज पकड़ना है, यूं अपने दोनों हाथों का वजन कंधे पे होना चाहिए, स्टीयरिंग पे नहीं, और अपने शरीर का पूरा वजन स्टीयरिंग पे नहीं ड्राइविंग सीट पे हो। समझ रहे हैं ना, ध्यान से सुनना जरा। आप लोग स्टीयरिंग टाइट क्यों पकड़ते हो, आपको ऐसा लगता है कि यार गाड़ी आगे जा रही है कहीं इधर उधर लग तो नहीं जाएगी, है ना, इसलिए आप इसको टाइट पकड़ लेते हो कि गाड़ी रुक जाएगी यहाँ की यहाँ, ऐसा ही होता है ना, बिल्कुल ऐसा ही होता है। चलिए अब मैं आपको वो चीज़ बताना चाहूँगा जिससे आप स्टीयरिंग टाइट ना पकड़ोगे तो आपको बहुत अच्छी बहुत जल्दी जो है ड्राइविंग आएगी। बात क्या है, स्टीयरिंग के टाइट पकड़ने से कभी भी गाड़ी नहीं रुकती। ठीक है, गाड़ी स्टीयरिंग टाइट पकड़ने से क्यों नहीं रुकती, क्योंकि स्टीयरिंग में ऐसा कोई सिस्टम नहीं लग रहा जिससे आप खींचोगे तो गाड़ी रुक जाए, नहीं रुकती। गाड़ी को रोकने के लिए क्लच और ब्रेक लगाए हैं नीचे पैर, स्टीयरिंग तो केवल साथियों घुमाने के लिए है बस, है ना, लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट, राइट जाना है तो राइट, सीधा जाना है तो सीधा रखें। कई साथी क्या करते हैं, स्टीयरिंग को घुमाने लग जाते हैं यूं, है ना, ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं ड्राइविंग सीट पे बैठते ही, पता क्यों करते हैं, फिल्मों में ऐसा ही देखा है उन्होंने, फिल्मों में कई एक्टर करते हैं यूं करते हैं ना, तो ऐसा नहीं करना है। किसी ने फिल्मों में नहीं देखा होगा तो किसी ने रोडवेज बस देख ली होगी, तो रोडवेज में प्ले होती है बस में स्टीयरिंग, वो यूं घूम जाता है थोड़ा सा, इसमें बिल्कुल भी प्ले नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घुमाना, सीधा चलाना है और केवल इशारा देना है दोस्तों यूं। अब नज़दीक आ जाइए मेरे साथ, एक बार देख लीजिए, ये अंगूठा एक यहाँ और एक यहाँ, ये ड्राइविंग सीखने के लिए स्टीयरिंग पकड़ने का सबसे आसान तरीका है, बस यूं। कई क्या करते हैं, यूं पकड़ लेते हैं स्टीयरिंग को, और जब ड्राइविंग सीखते हैं ना तो उनकी गाड़ी राइट में चली जाती है धीरे 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 धीरे, आप लोग देखना ये, और कई यूं पकड़ लेते हैं तो इनकी गाड़ी लेफ्ट में चली जाती है, रोड से नीचे जाने की कोशिश करती है, क्योंकि ये वजन आपका ये वाला हाथ इधर आने की कोशिश करता है। तो आज के बाद आपने स्टीयरिंग को यूं पकड़ना है, ये निशान है अंगूठे का, ये वाला, ये बिल्कुल पोजीशन आपकी ठीक है, और गाड़ी सीधी चले या लेफ्ट में मोड़े, आगे मोड़ आ गया तो या राइट में मोड़े, कोशिश करना है कि दोनों हाथ यहाँ की यहाँ आए और दोनों हाथों का वजन हमारे शरीर के कंधों पे हो। समझ गए ना मेरी बात। यदि दोस्तों आपने इस तरह ड्राइविंग सीट पे बैठ के इस तरह स्टीयरिंग को पकड़ा बिल्कुल लूज हाथ से, तो आज के बाद आप जो टाइट पकड़ते हो ना स्टीयरिंग को गाड़ी रोकने के लिए, ये डर लगना आपको बंद हो जाएगा। ये था स्टीयरिंग की जानकारी की एक छोटी सी वीडियो, यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने यार दोस्त रिश्तेदारों सबको शेयर कर देना, और यदि आपको लग रहा है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। धन्यवाद, जय हिंद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
क्योंकि ड्राइविंग मतलब हरियाणा मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल।